पीड़िता की मृत्यु के बाद परिजनों ने घंटोदास संस्कार से किया इनकार। प्रशासन की कार्यवाही और सरकारी सुविधाओं के आश्वासन के बाद मानव परिवार बहराइच से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक रेप पीड़िता युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद पीड़िता के परिजनों ने घंटों तक शव का दाह संस्कार नहीं किया। उनका कहना था कि आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। फिलहाल मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद परिजनों ने युवती के शव का दाह संस्कार कर दिया है। बहराइच के चिलवरिया बाजार निवासी युवती के साथ एक तांत्रिक द्वारा बीती 4 नवंबर को इलाज के बहाने बेहद दर्दनाक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें युवती के आंतरिक अंग के क्षतिग्रस्त होने की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद बहराइच पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर कार्यवाही की बात की जा रही थी। लेकिन गुरुवार को रेप पीड़िता युवती की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। आपको बता दें कि अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बृहस्पतिवार को युवती का शरीर उसके चिलवरिया स्थित आवास पर लाया गया, जहां परिजनों ने कार्यवाही न होने का आरोप लगाते हुए घंटों तक शव का दाह संस्कार नहीं किया और बड़े अधिकारियों के आने की बात करते हुए शव को रखे रखा, जिसके बाद मौके पर बहराइच के SDM सुभाष सिंह धामी और CO सिटी जंग बहादुर यादव के समझाने के बाद परिजनों ने युवती के शव का दाह संस्कार किया। SDM सुभाष सिंह धामी ने बताया कि ये बहुत गरीब परिवार है, इनकी प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही CO सिटी जंग बहादुर यादव ने बताया कि मामले में पीड़ित लड़की का बयान भी पुलिस द्वारा लिया जा चुका था। इस मामले में जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर न्यायालय से सख्त से सख्त सजा दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। जनरल एक्सप्रेस न्यायिक प्रक्रिया जो है आज 15-20 दिन से वो नहीं है ना, 15-20 दिन से नंगा घूम आराम से कपड़े हम लोगों को नंगा ना चाह रहा है। बोलो, हमें न्याय चाहिए। मैंने जांच जो दुष्कर्म किया, लाल तांत्रिक उसे फांसी तत्काल होनी चाहिए। और मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे भी ना दाना पानी कर रहे हैं। आप बताइए, आपके लड़के के साथ मैं हूँ, आप हैं, आपसे बात में पूछे कई बार, मैं आपकी बहन हूँ। बिल्कुल तो आप मेरा, आप अगर मुझे, आप हमारे भाई। देखिए, पूरा प्रकरण ये है कि ये घटना की जो आप बात कर रहे हैं वो 4 तारीख की है। उसके बाद इस घटना के विरुद्ध जो FIR लिखाई ली गई थी कोतवाली देहात थाने में, और जो पीड़िता की जो मृत्यु हुई है वो कल सुबह हुई है, घटना हुई है। और अभी जो परिवार की डिमांडें हैं, परिवार बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध है, और क्योंकि परिवार की जैसी हालत देखी गई, घर की हालत देखी गई, परिवार की हालत देखी गई, वो बहुत ही गरीब एक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके जितने भी हो सके क्या कहते हैं प्रशासन से जितनी मदद की जा सकती है वो हमारी तरफ से की जाएगी। और साथ में पुलिस की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ के उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की। दुखद घटना है और बहुत जघन्य अपराध है। हमारे SDM साहब से और CO साहब से बात हुई है, वो सभी ने आश्वासन दिया है कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी मुआवजा दिया जाएगा वो मुआवजा दिया जाएगा। जो इनका भाई है छोटा, उसको जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी, और जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जो है न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सारी धाराएं सब लगाई हुई है, वो सब हमने पढ़ा है, देखा है। और जो यहाँ इनके परिवार की हालात जो है वो बहुत गंभीर है, बहुत ही गरीब तरीके आदमी है और एक शुगर मिल में कार्य करते हैं। और मैं विश्वकर्मा समाज से यही कहना चाहूँगा कि पूरा विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के सामने खड़े होकर के इस पे जो है पता करना चाहिए, और जो तांत्रिक विद्याएं हैं, जो अंधविश्वास है, इससे दूर रहे। सब्सक्राइब करें जनरल एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे